इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की और मैच के हीरो बॉलिंग में कुलदीप यादव रहे तो बैटिंग में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दमदार पारियां खेली। कुलदीप यादव ने तो मैच को एक तरफा बना दिया और 6 इंग्लिश बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। चौंकाने वाली बात यह रही कि कुलदीप ने 10 ओवर के कोटे में सिर्फ 25 रन दिए और 6 विकेट झटक लिए। इसके बाद जब कुलदीप को मैन ऑफ द मैच अवार्ड के लिए बुलाया गया तो कुलदीप ने बेहद चौंकाने वाला बयान दिया। कुलदीप ने कहा कि जब मैं बॉलिंग के लिए आया तो इंग्लैंड मजबूत स्थिति में थी और हर बार की तरह मैंने माही भाई से विकेट के बारे में पूछा। माही भाई ने मुझे सिर्फ एक बात कही और उसी एक बात को फॉलो करते हुए मुझे 6 विकेट मिल गए। कुलदीप ने बताया कि धोनी ने उनसे कहा कि विकेट फ्लैट है और इस पर आसानी से रन बन सकते हैं, इसीलिए ज्यादा प्रयोग मत करना और विकेट टू विकेट सीधे बॉल डालना। कुलदीप ने धोनी की बात को मानते हुए यही किया और विकेट टू विकेट सीधी सीधी बॉल डाली। बस फिर क्या था, पहले जेसन रॉय, फिर जॉनी बेयरस्टो, आयन मॉर्गन और बेन स्टॉक्स के विकेट कुलदीप यादव को मिल गए। कुलदीप ने माना कि धोनी की वो एक सलाह और एक बात काम कर गई, अगर माही भाई वो बात नहीं बताते तो शायद मैं प्रयोग करता और रन लुटा सकता था। वैसे कुलदीप कई बार धोनी की तारीफ कर चुके हैं मगर इस बार कुलदीप ने अपने सभी विकेट्स का श्रेय जो धोनी को दिया वो तो कमाल है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।